धमतरी में सोमवार को डॉक्टरों ने बहुत बड़ा काम किया है जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। दरअसल यहाँ पर एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया लेकिन बच्ची ना श्वास ले पा रही थी और ना ही रो रही थी। स्वास्थ्य विभाग की मतहारी एक्सप्रेस के स्टाफ ने चलती एम्बुलेंस में बच्चे को कार्डियक मसाज और CPR देकर बच्चे की जिंदगी बचा ली। पूरा मामला धमतरी जिले के केकरा कोली गांव का है जो दूर जंगलों के बीच में बसा है। गांव की गर्भवती महिला कुलेश्वरी को प्रसव पीड़ा हुई। घर वालों ने गांव की मितानिन को बुलाया और प्रसव करवाया। महिला ने लड़की को जन्म तो दे दिया लेकिन नवजात की न सांसें चल रही थी और न ही धड़कन, जिसके चलते 102 एम्बुलेंस को बुलाया गया। मितानिनों ने बच्चे की हालत के बारे में 102 स्टाफ को बताया। क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए फौरन जच्चा और बच्चा दोनों को 102 एम्बुलेंस में डालकर धमतरी जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इस बीच 102 में EMT सरजूराम साहू ने अहम भूमिका निभाई। बच्चे को मुंह से सांस दिया, बच्चे के नाक में भरे पानी को निकाला जिसके चलते श्वास नली खुल गई, फिर मुंह से सांस दिया और कार्डियक मसाज दिया गया। इससे बच्चे की धड़कन शुरू हो गई और वो रोने लगी। उसके तुरंत निकले और जैसे ही गांव पहुंचे तो वहां पर मितानिन दौड़ते भागते आई और बताई कि डिलीवरी हो गया है और बच्चा क्राई नहीं कर रहा है ऐसा करके। तो हम लोग तुरंत गए देखें तो बच्चा वाकई क्राई नहीं कर रहा था और उसमें कोई एक्टिविटी भी नहीं थी। तो हम लोगों ने तुरंत उसको गाड़ी में शिफ्ट करवाए और तुरंत उसमें हम लोग अपना प्रोसेस चालू करके मेंटेन करते हुए जिला हॉस्पिटल तक पहुँचाए और सही सलामत जिला हॉस्पिटल तक अपने केस को पहुँचाए हैं। जो क्राई नहीं कर रहा था वो ठीक से क्राई कर रहा था उस समय। CMHO डॉक्टर VK तुर्रे ने बताया कि 102 स्टाफ ने एक सराहनीय काम किया है क्योंकि ये गंभीर मामला था। बच्चे के जन्म के बाद पहले 5 मिनट काफी अहम होते हैं। इस दौरान बच्चा पैदा होने के बाद ना रोए या सांस ना ले तो फौरन CPR देकर उसको बचाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका था, फिर भी बच्चा बच तो गया जो कि चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल बच्चे को जिला अस्पताल SNCU में ऑक्सीजन पर रखा गया है। बच्चे की मां को भी भर्ती किया गया है। किया जाता है ऐसे प्रकरणों में लगभग जो 5 मिनट का जो समय होता है, जो बच्चे के प्रसव के पश्चात बच्चा बाहर आने के पश्चात में जो प्रथम 5 मिनट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय माना गया है। इस 5 मिनट के अंदर में अगर उस बच्चे को आपने अगर CPR किया, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सेशन, आपने मुँह से मुँह श्वास दिया या आपके पास में श्वास देने के लिए यंत्र है, हम लोग पास में यंत्र भी है जो हमारे अस्पतालों में होता है। अब चूंकि वो वाहन है इसलिए वहाँ पर मुंह से मुंह जो है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं, उससे दिया जाता है। तो अगर ऐसा होने के बाद में अगर उस बच्चे का अगर हृदय और उसकी फेफड़े की स्थिति स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वो सर्वाइव करेगा और स्वस्थ हो जाएगा वो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप पंजाब केसरी TV के लिए धमतरी से राज गायकवाड़ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।